इस वीडियो में त्रिभुज की असमिकाओं और समरूप त्रिभुजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम उन पे कुछ प्रश्न हल करेंगे और समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं पढ़ेंगे। आइए अब हम त्रिभुजों को विस्तार से देखते हैं। अब हम एक त्रिभुज में विभिन्न प्रकार की असमिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली असमिका यह कहती है कि लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे एसी भुजा की लंबाई एबी भुजा से ज्यादा है, तो पहली असमिका के अनुसार कोण बी बड़ा होना चाहिए कोण सी से। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कोण बी बड़ा है कोण सी से। कोण बी का माप है 117.18 डिग्री और कोण सी का माप है 36.31 डिग्री। अब दूसरी असमिका यह कहती है कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे कोण सी बड़ा है कोण ए से, तो दूसरी असमिका के अनुसार भुजा ए बी बड़ी होगी भुजा बी सी से। यहाँ पे ए बी की दूरी 5.4 है और बी सी भुजा की लंबाई 4 है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अब हम तीसरी असमिका की ओर बढ़ते हैं। ये असमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये असमिका कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा की लंबाई 4, 5 और 8 है। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आता है। जैसे 5+4=9 जो कि 8 से ज्यादा है, 8+4=12 जो कि 5 से ज्यादा है, 5+8=13 जो कि 4 से ज्यादा है। ये थी तीसरी असमिका। अब एक प्रश्न यह है कि अगर आपके त्रिभुज की भुजा एक पूर्णांक है जो कि 1 से 3 तक ही हो सकती है, तो आप ऐसे कितने अलग त्रिभुज बना सकते हैं। हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सभी संभावनाओं को लिख देंगे जो कि 10 संभावनाएं हैं। यहाँ पे हर एक संख्या भुजा की लंबाई को दर्शाती है। जैसे कि ये एक त्रिभुज है जिसमें भुजा की लंबाई 1, 1 और 1 है। हम तीसरी असमिका से ये जानते हैं कि अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा से कम हो या बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। तो तीसरी असमिका का इस्तेमाल करते हुए हमें जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज संभव है। यहाँ पे दो भुजा का योग तीसरी भुजा के समान है तो ये त्रिभुज असंभव है। इसी प्रकार यहाँ पे दो भुजा का योग तीसरी भुजा से कम है तो ये त्रिभुज भी असंभव है। यहाँ पर भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के समान है तो ये त्रिभुज भी संभव नहीं है। तीसरी असमिका से ये त्रिभुज संभव है, ये त्रिभुज भी संभव है, ये त्रिभुज भी संभव है, ये वाला त्रिभुज भी संभव है और ये वाला त्रिभुज भी संभव है और ये वाला त्रिभुज भी संभव है। तो हमने देखा कि ऐसे 7 त्रिभुज संभव है तो उत्तर 7 है। हम अब समरूप त्रिभुजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम समरूप आकृतियों की परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद त्रिभुजों में समरूप होने की शर्तें जानेंगे और उसके बाद समरूप त्रिभुजों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब हम समरूप आकृतियां क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। समरूप आकृति वो आकृति है जिनका आकार समान हो परंतु माप का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो समभुज त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों का ही आकार समान है परंतु माप समान नहीं है। एक में भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और दूसरे में भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको दो तितलियों की तस्वीर दे रखी है, एक तितली छोटी है और दूसरी तितली बड़ी है। दोनों का ही माप समान नहीं है परंतु दोनों का ही आकार समान है, इसीलिए ये दो तितली समरूप आकृतियां हैं। अब हम समरूप त्रिभुजों की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे
अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, जैसे कि 10 बटा 20 बराबर आधा, 6 बटा 12 बराबर आधा, 7 बटा 14 बराबर आधा। तो हमने देखा कि सभी का अनुपात आधा है। अब हम त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे ये दो त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है? इसकी तीन शर्तें हैं, वो है AAA कसौटी या AA कसौटी और SSS कसौटी और SAS कसौटी। अब अगर आपको दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर दे रखे हो तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि अगर कोण A बराबर A डैश हो, कोण C बराबर C डैश हो और कोण B बराबर B डैश हो तो ये दो त्रिभुज समरूप हैं। उसी प्रकार SSS कसौटी में अगर उनके अनुपात, भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हो तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि अगर Q बटा A और R बटा C और P बटा B बराबर हो तो त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज QPR के। और हम SAS कसौटी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब हम एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'B'C'। और आपको बता रखा है कि A'C' समांतर है AC के और आपको X और Y ज्ञात करने हैं। हम इस प्रश्न को समरूप त्रिभुज के गुणों की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि A'C' समांतर है AC के, इसीलिए कोण A बराबर है कोण A' के और कोण C बराबर है कोण C' के और कोण B बराबर है कोण B के। तो हम AA कसौटी के मदद से हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'BC' के। क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 30 प्लस एक्स बराबर बटा 30 बराबर है y प्लस 15 बटा y, वो बराबर है 21 बटा 14 के। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास x का मान 15 आएगा और y का मान 30 आएगा। अब हम SAS कसौटी की चर्चा करेंगे। SAS कसौटी ये कहती है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात यहाँ पे कोण B कोण L के बराबर है और कोण B को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं BA और BC। इसी प्रकार कोण L को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं LM और LK। और हमको दे रखा है कि AB बटा KL बराबर है BC बटा LMK जो कि है 1.5। तो हम SAS कसौटी के मदद से ये कह सकते हैं कि ABC त्रिभुज समरूप है KLM त्रिभुज के। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको एक वृत्त दे रखा है और दो वृत्तखंड दे रखे हैं जो कि है AB' और BA', जो कि आपस में एक दूसरे को C पॉइंट पे काटते हैं। आपको AC, CB, B'C और CA' के बीच में रिश्ता बताना है। तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए B को A के साथ जोड़ेंगे और B' को A' के साथ जोड़ेंगे। तो जो हमको आकृति मिलेगी वो इस प्रकार होगी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि कोण जो कि समान खंड में हो वो बराबर होते हैं, इसीलिए कोण B B' के बराबर होगा और कोण A कोण A' के बराबर होगा। और इसी प्रकार हम AA कसौटी के अनुसार ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A' B' C के। क्योंकि समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसीलिए A'C बटा AC बराबर है B'C बटा BC के। तो जो हमको रिश्ता चाहिए था वो इस प्रकार है, A'C गुणा BC बराबर है AC गुणा B'C के। इस वीडियो में हमने त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सीखा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का योग
तीसरी भुजा से ज्यादा आता है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। हमने समरूप आकृतियों का मतलब के बारे में जाना। समरूप आकृति वो आकृति है जिनका आकार समान होता है परंतु माप समान होने की आवश्यकता नहीं होती है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता के बारे में भी हमने सीखा। समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समान अनुपात में होती है। हमने एस 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 कसौटी, एस ए एस कसौटी और ए ए या ए ए ए कसौटी के बारे में भी जाना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।